फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। यदि किसी व्यक्ति के पास एक परफेक्ट हेल्थ है तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है, और हेल्थ और फिटनेस नंबर वन पर होना ही चाहिए। तो इस सीरीज में हम कुछ ऐसे रोगों की चर्चा करते हैं जो कॉमनली लोगों में बहुत अधिक पाए जाते हैं, और एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है जिसको हम पाइल्स कहते हैं। एक्चुअली जहाँ जब बात पाइल्स की आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं जनरल पब्लिक में एनोरेक्टल कैनाल में होने वाले लगभग लगभग सभी रोगों को पाइल्स बोल देते हैं, लेकिन पाइल्स सभी रोग पाइल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा भी अन्य रोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे फिशर है, जैसे फिस्टूला है, जैसे पाइलोनिडल साइनस है, प्रोलैप्स है, और कुछ ट्यूमर्स या कैंसर भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आज उन पाइल्स की बात करते हैं जो ब्लीडिंग है या एनल कैनाल के आसपास जो कुछ फूले फूली सी जो रचनाएं हैं उनकी बात करते हैं। तो पाइल्स या हेमोरॉइड्स, पाइल्स का जो अभिप्राय है वो कोई एक मास या ग्रोथ जो कि एनल कैनाल में महसूस होती है, और हेमोरॉइड्स का मतलब ये है कि जहाँ से ब्लड आता है, ब्लड जो है ऊज आउट होता है। एक्चुअली ये होते क्या है, देखिए यदि हम एनल कैनाल की एक कोरोनल स्ट्रक्चर में देखें तो बाहर की तरफ ये स्किन होती है और अंदर की तरफ इसमें कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन के बने हुए कॉलम होते हैं। अंदर की तरफ रेड 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 जो म्यूकोजा होती है, कॉलम होते हैं, आपस में ये अटैच होती है ओरिजेंटली, और इन्हीं कॉलम में कुछ वेन्स पाई जाती हैं जिनको के हेमोरॉइडल वेन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हेमोरॉइडल वेन। और इन्हीं वेन्स की जो जब ये वेन फूल जाती हैं या डायलेट हो जाती हैं नॉर्मल से, इन्हीं को हेमोरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है। ट्रू पाइल्स एक्चुअली यही है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, किसी न किसी कारण से जो ऊपर की तरफ की जो वेन है या पेट में प्रेशर का बढ़ना, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन के कारण से हो, चाहे वो ट्यूमर की वजह से हो, प्रेगनेंसी हो, लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हो, पेट में पानी इकट्ठा होने की वजह से हो, और बहुत सारे कारण होते हैं उसमें क्या होता है, या फिर कोई व्यक्ति जब सोच में बहुत देर तक स्ट्रेन करता रहता है, जोर लगाता रहता है, तो होता क्या है कि ये जो वेन्स हैं ये फूलने लग जाती है, ऐसे ये नॉर्मल से फूल जाती है। तो अंदर इनके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो वेन होती है वो फूल जाती है। फूलने के बाद जब उसका साइज बड़ा हो जाता है यहाँ पर, तो जब भी वो पर्सन मल त्याग करता है तो इसमें से खून का रिसाव बूंद के रूप में, या तो ड्रॉप्स के रूप में, या फिर जो है जेट या पिचकारी की तरह से होता है। जब ये पाइल्स इस गुदा के अंदर, मतलब अब अगर हम इसको देखें, जैसे ये लेटी हुई पोजीशन में कोई पर्सन यदि लेटा हुआ है, तो यहाँ पे जो तीन जगहें होती हैं, यदि हम इसको क्लॉक के रूप में समझें, तो ये 3, 7 और 11 o'clock, इन तीन अवस्थाओं के जो वेन्स होती हैं वो नॉर्मल सभी वेन्स से बड़ी होती हैं, और अधिकांशतया इन्हीं में पाइल्स बनते हैं, इन्हीं के फूलने से पाइल्स बनते हैं। तो ये तीन पोजीशन में यहाँ पे होंगे। जब ये गुदा के अंदर ही रहता है, वेन फूलती है लेकिन वो गुदा के अंदर ही है, बाहर नहीं आती है, तो वहाँ पर केवल और केवल ब्लड होता है मल त्याग के समय, ड्रॉप्स के रूप में या जेट के रूप में। इसके अलावा कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द होता है, ना कोई और समस्या होती है, केवल और केवल ब्लीडिंग होती है और ये अंदर ही रहते हैं, तब हम इनको ग्रेड 1 पाइल्स कहते हैं। इसमें केवल और केवल ब्लीडिंग ही एक लक्षण होता है। यहाँ पर बात मैं और क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे लोग जो शौचालय में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं वो गलत है। बहुत से लोग मोबाइल ले जाते हैं, बहुत से लोग लैपटॉप ले जाते हैं, पहले लोग पेपर पढ़ते थे, बहुत से लोग सिगरेट पीते थे, तो इस प्रकार की जो है ये लाइफस्टाइल की विकृतियां हैं। उसके बाद जब ये और बढ़ता है ये पाइल्स, तो ये क्या होता है कि ये बाहर आने लग जाता है, मतलब मल त्याग करते समय जैसे रोगी स्ट्रेन करेगा, तो ये जैसे ये गुदा का बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ से ये बाहर की तरफ आने लग जाएगा, और जैसे ही मल त्याग होगा ये वापस अंदर चला जाएगा अपने आप ही, बिना किसी के प्रॉब्लम के। तो बहुत सारे जो रोगी होते हैं उनको बाहर की तरफ एक स्वेलिंग महसूस होती है, जब वो स्ट्रेन करते हैं वो बाहर आती है, और स्ट्रेन करने के बाद जब मल त्याग हो जाता है तो वापस अपने आप अंदर चली जाती है। इसमें भी ब्लीडिंग और ये थोड़ा सा स्वेलिंग, दो चीज़ें होती हैं।
इसमें ब्लीडिंग और स्वेलिंग दो चीज़ें होंगी, मतलब इसमें स्वेलिंग भी फील होगी, तब इसको ग्रेड टू कहा जाता है। तो ग्रेड टू में जो लक्षण होगा वो ब्लीडिंग के साथ साथ स्वेलिंग भी महसूस होती है। इसके बाद जब ये कंडीशन और बढ़ती चली जाती है और हम रोगी अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं करता है तो ये और बाहर आने लग जाता है, और तब इसके साथ में जो ये बाहर की स्किन है, जो मैं स्किन बता रहा हूँ, ये स्किन भी इसके साथ बाहर निकलने लग जाती है। तो अंदर वाला हिस्सा भी बाहर आएगा और जो इसके ऊपर जो स्किन है ये भी बाहर आएगी, और इस कंडीशन में ये मल त्याग करते समय पूरा बाहर आ जाएगा। और पेशेंट्स क्या करते हैं कि इसको अंदर ले जाने के लिए वो या तो जोर लगाते हैं अंदर की तरफ, या कई बार हाथ से भी इसको मैनुअली रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा बाहर आ जाएगा त्वचा के साथ, और फिर इसको रोगी को एफर्ट करके किसी न किसी रूप में, बहुत सारे लोग लेट के, बहुत सारे लोग अंदर की तरफ स्क्वीज करके, बहुत सारे लोग हाथ से इसको अंदर करते हैं, इस कंडीशन में ये ग्रेड थ्री हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, ये ग्रेड थ्री पाइल्स कहलाते हैं। और एक जो ग्रेड फोर जो होती है उसमें ये परमानेंट बाहर निकल जाता है और वापस अंदर नहीं जाता है। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये इस कंडीशन को हम ग्रेड फोर पाइल्स कहते हैं। इसमें ये परमानेंट बाहर की तरफ प्रोलैप्स हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। कई बार इसमें स्ट्रेंगुलेशन भी होता है, ब्लड रुक जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेनफुल हो जाता है ये। इस कंडीशन में पेन बहुत अधिक होता है और ब्लीडिंग उतनी नहीं होती है, जबकि बाकी कंडीशन में ब्लीडिंग अधिक होती है। तो ग्रेड फोर में बाहर आ जाता है और ये पेनफुल हो जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फूल जाता है, कई बार इसमें हेमाटोमा भी बन जाता है और ब्लैक ब्लैक सा कलर भी आ जाता है। तो इस प्रकार से ये चार ग्रेड पाइल्स के होते हैं। एक्चुअली यदि इसके ट्रीटमेंट में यदि देखा जाए तो चारों अवस्थाओं का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। जो ग्रेड वन पाइल्स होते हैं, जब वो रोगी हमारे पास आते हैं तो हम उनको मेडिसिन से ही ट्रीट कर लेते हैं, मेडिसिन और लाइफ स्टाइल चेंज से। हम उनको कहते हैं कि बहुत जोर ना लगाएं, पेट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बहुत अधिक लग्जेटिव ना लें, और अपने लाइफ स्टाइल को नियंत्रित करें, फिजिकल वर्कआउट करें। तो ग्रेड वन वाले जो पाइल्स होते हैं वो दवाई से ठीक होने वाले होते हैं। अब बात आती है ग्रेड टू की। ग्रेड टू में भी हम प्रयास करते हैं कि यदि वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मेडिसिन से नहीं होता है तो फिर उसमें कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है। इस प्रोसीजर में जो मुख्यतया हैं उसमें लेज़र, इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र, ये तीन प्रोसीजर इसमें मुख्यतया किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रेड थ्री है, ग्रेड थ्री पाइल्स में भी जो है वो लेज़र, क्षार सूत्र या सर्जरी, ये इंडिकेटेड हैं। और ग्रेड फोर में बेसिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट ही प्रीफर किया जाता है। तो अब पाइल्स से बचें कैसे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यदि हमारा लाइफ स्टाइल डिरेंज्ड है तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत देर शौचालय में नहीं बैठना है, जब प्रेशर बने तभी जाना है, और खाने में बहुत सारा जो फाइबर डाइट है उसका यूज़ करना है, जिसमें फ्रूट्स और सलाड्स मुख्यतया हैं। बहुत स्पाइसी फूड का सेवन नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, वाटर इंटेक बढ़ाना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात स्ट्रेस लेवल को कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस और नींद न आने की वजह से भी पेट डिस्टर्ब होता है और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आशा है कि ये पाइल्स के बारे में एक जनरलाइज जो मैंने आपको बताया है ये आपके समझ में आया होगा। तो आप यदि इसका पालन करेंगे तो इस रोग से बचे रह सकते हैं।